अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के बारे में, जो कि सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ वर्जीनिया में। तो मैंने सोचा, ज़ाहिर सी बात है, जब हम परदेस में होते हैं तो हम ऐसे इवेंट्स को मिस नहीं करना चाहते, और मुझे लगा कि इस इवेंट को आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर किस तरह से अपने मुल्क से दूर होकर हम लोग ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पार्किंग के लिए हमें गाइड कर रहे थे जो वहाँ का स्टाफ था, हमने उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को पार्क किया और फिर यहाँ पर उतर के जो इवेंट है उसकी तरफ जाने के लिए आगे बढ़े। आप देख सकते हैं आगे काफ़ी रश है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क हैं, जिससे ये पता चल रहा था कि अंदर कितना बड़ा क्राउड होगा, और हमने भी उस क्राउड में हिस्सा बनना चाहा। लोग सब मोस्टली जो है वो ग्रीन और वाइट में ड्रेस अप होकर आए थे, झंडे पकड़े हुए थे। मैंने भी ग्रीन और वाइट ही ड्रेस पहना हुआ था। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अपने कंट्री के दिनों को सेलिब्रेट करना। और चूँकि टिकट थी, हमने टिकट परचेस किए और फिर हम अंदर की तरफ चले गए। सिक्योरिटी ने कैमरे से मना किया, इसलिए वहाँ पर कैमरा बंद था। और अब यहाँ हम अंदर पार्क में एंटर हो चुके हैं, जहाँ पर सेलिब्रेशंस आप देख सकते हैं। म्यूज़िक भी चल रहा था जिसमें काफ़ी सिंगर्स को बुलाया हुआ था। मोहसिन अब्बास हैदर थे, शाजिया मंजूर और एक दो और भी थे जिनको मैं खासा नहीं पहचानती। लेकिन इस तरह के इवेंट्स पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, लोग अपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसका बिजनेस है, उन चीज़ों के स्टॉल्स भी लगा लेते हैं। इस तरह से ये होता है कि ना सिर्फ ये है कि वो आकर बैठ के इवेंट को, फंक्शन को इंजॉय करते हैं, बल्कि कुछ शॉपिंग भी हो जाती है, गैदरिंग भी हो जाती है, बिज़नेस भी साथ चल रहा होता है, डे आउट भी हो जाता है, सब कुछ साथ ही मिक्स हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत एक ड्रेस था, अफगानी टाइप, लेकिन आप देख सकते हैं कि इवन हम लोग दूर हैं अपने मुल्क से, लेकिन हमारी जो वहाँ की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरीज, जूते, हर चीज़ इन कंट्रीज़ में हमें जो है अवेलेबल आजकल हो जाती है ऑलमोस्ट। हम साथ साथ चलते जा रहे थे और बस एक विंडो शॉपिंग जो होती है, चलते चलते बस देख रहे थे। मुझे तो एज सच कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन मेरे साथ जो थी उनको कुछ चाहिए था तो हम वो ढूंढ रहे थे। इस तरह से हमने सारे स्टॉल्स भी देख लिए और बस एक थोड़ा सा राउंड लग गया, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, बस यही था। तो हमने सोचा कि बैठ के जस्ट म्यूज़िक देखने से बेहतर है कुछ देख लेते हैं। और ये पाकिस्तान के ट्रेडिशनल शूज़, जिसको कि हम खुस्सा कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत थे, अच्छे थे, प्राइसेस भी डिसेंट थी। फंक्शन तो ऑलमोस्ट तकरीबन सुबह 12 बजे से या शायद 11 बजे से शुरू था, लेकिन हम ज़रा शाम के वक्त आए थे, तकरीबन 6 बजे के बाद, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये ओपन एयर में था, तो इसलिए हमें अंदाज़ा था कि धूप बहुत तेज़ होगी और उतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती नहीं है। तो हमने फिर ये किया था कि हम शाम की तरफ आए थे, और उससे ये हो गया था कि उस वक्त तक तकरीबन धूप जो है वो कम पड़ चुकी थी और थोड़ी थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई थी, तो कदरे बेहतर था मौसम। ये वाइट और ग्रीन में बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे, अच्छा लगता है बस अपने कल्चर की चीज़ें, अपना सब सामान, अपनी कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तानी सब जमा थे वहाँ पर और काफ़ी अच्छा लग रहा था।
के झंडे लगे हुए हैं सब स्टॉल्स के ऊपर, काफ़ी गेम आगे हुई है लोग यहाँ पर हम अब कुछ खाने पीने के ऑप्शंस चेक करने के लिए आए हैं, क्योंकि फूड स्टॉल्स भी थे तो जाहिर सी बात है ऐसे इवेंट्स पर क्या ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, तो फिर एट द एंड यही होता है कि खाने में कुछ लेकर बैठ के इंजॉय किया जाए। तो आप देख सकते हैं आइसक्रीम थी, मीठे में काफ़ी चीज़ें थी और जो एक्चुअल फूड था उसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बस पुलाव का ऑप्शन था, चाट थी और समोसे थे, उसके अलावा जलेबी, पान, कुल्फ़ी, आइसक्रीम्स, जर्दा था और गाजर का हलवा भी था, दूध पत्ती भी, काफ़ी वैरायटी थी अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होते हैं जिसमें के स्नैक्स टाइप आप कह लीजिए, तो हमने भी बस कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ली और बैठ के उनको इन्जॉय किया। और ये पीछे काफ़ी सारे बेंचेस रखे हुए थे उन्होंने, जो कि एक अच्छा आइडिया था क्योंकि काफ़ी एल्डरली और बड़े बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं जिनसे ज़्यादा चला नहीं जाता, ये ज़मीन पे बैठा नहीं जाता, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठ के फूड भी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ म्यूज़िक भी। इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा अ डे ऑफ सेलिब्रेशन इन वर्जीनिया फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।